इंतखाबी अखराजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात न होने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, एहतसाब होना चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क। वज़ीर आज़म के खिलाफ तोहीन अदालत केस की समाअत, क्या खत लिखने से स्वित मुकदमात खुल जाएंगे, जस्टिस नासिरुल मुल्क का इस्तफसार। खत लिखने से साथी की तस्लील होती है, वज़ीर आज़म के वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में केमिकल कोटा अलॉटमेंट केस की समाअत आज होगी। एएनएफ ने अली मूसा गिलानी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी खशनूद दाशारी समेत 8 अफराद को मुल्ज़िम नामजद कर दिया। टाटा ट्रक करप्शन स्कैंडल, सीबीआई एहलकार भारत आर्मी चीफ का बयान रिकॉर्ड करने उनके ऑफिस पहुँच गए। पाकिस्तान नेटो सप्लाई रूट्स खोले और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करे, नेटो के सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फोग रासमुसेन का मुतालबा। मौसमी रुकावटों के बावजूद ग्यारी सेक्टर में 14 रोज से फंसे जवानों की तलाश जारी, मुल्क भर में आज यौमे दुआ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी एवेंजर्स का लंदन में शानदार प्रीमियर।